जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और फंडामेंटल की इस क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे वर्डपैड के बारे में, जो कि मैंने आपको 5 ऑप्शन तक मैंने आपको बता दिया था। आज की क्लास में आपको पैराग्राफ ऑप्शंस के बारे में समझना है। देखिए, कल की क्लास में मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि जैसे कि बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रू के बारे में मैंने आपको बताया था। इसके साथ ही साथ मैंने आपको सबस्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट के बारे में बताया था। आज की क्लास में जो पढ़ना है वो है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट एक पैराग्राफ ऑप्शन। इसमें देखिए बहुत सारे ऑप्शन आपके दिए हैं, जैसे कि इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन इसका नाम है इंडेंट। ये दो प्रकार के इंडेंट पाए जाते हैं, एक आपका डिक्रीज इंडेंट होता है और एक आपका इंक्रीज इंडेंट होता है, जिसकी शॉर्टकट की मैंने आपको कंट्रोल वाले प्रयोग में मैंने आपको लिखवाया था। कंट्रोल प्लस यम से क्या होता है, मार्जिन हमारा इंक्रीज होता है, और कंट्रोल प्लस क्यू से मार्जिन हमारा डिक्रीज होता है। पर ये दोनों ऑप्शन काम करता है एमएस वर्ड की सॉफ्टवेयर में, ना कि वर्ड पैड पर, ये मैंने आपको बताया था। लेकिन अगर इसमें हम बात करें सबसे पहले, तो डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट का वर्ग क्या होता है, आप एमएस वर्ड में आइए या वर्ड पैड में आइए, इंडेंटों की संख्या मात्र दो होता है, एक आपका इंक्रीज इंडेंट और एक आपका डिक्रीज इंडेंट। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसमें प्रैक्टिकल करने से पहले आपको 5 पैराग्राफ यहाँ पे टाइप करना होता है, मैंने बताया था ना। या तो आप कॉपी से कोई, मतलब जो आपके पास बुक, अगर कोई बुक है तो उस बुक से कोई स्टोरी वगैरह आप टाइप कर लीजिए, नहीं तो मैंने आपको बताया था कि एमएस वर्ड के माध्यम से, और यहाँ पे 5 पैराग्राफ आप इंसर्ट करा लीजिए, ये मैंने बताया था। इसको कॉपी करिएगा और यहाँ पे कॉपी करने के बाद वर्ड पैड की सॉफ्टवेयर पे आके और पेस्ट कर लीजिए। अब देखिए, जैसे ही हम पेस्ट करेंगे तो यहाँ पे अभी सामने वाला जो ऑप्शन आपका दिया है इंक्रीज और डिक्रीज, ये दोनों ऑप्शन आपका तब काम करता है जब हम डेटा को सिलेक्शन करते हैं। तो सिलेक्शन करने पे कंट्रोल ए से जब सिलेक्शन आप करते हैं, तो मार्जिन्स का मतलब होता क्या है, सबसे पहले तो आपको इसके बारे में समझना है मार्जिन्स होता क्या है। एक पेज में टोटल 4 प्रकार के मार्जिन्स आपके होते हैं, जैसे कि आपके कॉपी में ही आप सिंबल देखे होंगे कि रेड कलर का ऐसे बॉर्डर बनाया गया होता है, देखा है आपने कॉपी में, देखिए अगर नहीं देखे होता, ये बॉर्डर ऐसे बना होता है, देखिए ऐसे इस टाइप का बॉर्डर बना होता है। तो ये बॉर्डर क्या इंडिकेट करता है, ये बॉर्डर के बाहर आपको टाइप नहीं करना, ये बॉर्डर के अंदर आपको मैटर को टाइप करना होता है, समझ में आ रहा है ना। तो जैसे कि ये जो बॉर्डर आपको दिख रहा है, अब हम क्या करते हैं, जैसे कि जब हम लिखना स्टार्ट करते हैं तो आपने देखा होगा कि कुछ स्पेस छोड़ करके, तब हम यहाँ पे टाइप करते हैं, बोलिए सही है कि गलत है, सही है ना। तो एक पेज पे टोटल 4 प्रकार का मार्जिन होता है, तो उस मार्जिन के हिसाब से हम कितना मार्जिन इंक्रीज करना चाहते हैं और कितना मार्जिन हम डिक्रीज करना चाहते हैं, इसके लिए इंक्रीज और डिक्रीज वाले ऑप्शन का प्रयोग हम करते हैं। इसके लिए सबसे पहले पूरे लिखे हुए पैराग्राफ को क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे अपने हिसाब से आप यहाँ पे चेक करिए, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डिक्रीज। तो अभी तो डिक्रीज का कोई वर्क नहीं होगा, क्योंकि पहले तो आपको इंक्रीज पे वर्क करना पड़ेगा। देखिए पहले आप इंक्रीज करेंगे तभी तो आप डिक्रीज कर पाएंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ से ये सब इतना मार्जिन आपका डिक्रीज हो गया, सॉरी इंक्रीज हो गया, क्योंकि इतना स्पेस आपको पेज पे मिल गया, लेकिन इतना स्पेस पहले था और वही पहले की अवस्था में आप आना चाहते हैं, तो यहाँ से डिक्रीज आप करते जाएंगे तो ये पहले की अवस्था में आता जाएगा। देखिए कोई दिक्कत, जिसकी शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस एम और कंट्रोल प्लस क्यू होता है, पर ये शॉर्टकट की काम करेगा किस सॉफ्टवेयर में, एमएस वर्ड में। अब ये नहीं कि यहीं पे कंट्रोल का प्रयोग करने लगेगा तब नहीं हो पाएगा, मैंने बताया था कंट्रोल के प्रयोग बताने से पहले मैंने आपको बताया था कि कंट्रोल का प्रयोग अलग अलग सॉफ्टवेयर में हम अलग अलग तरीकों से करते हैं, कोई जरूरी नहीं कि जो आप एमएस वर्ड में प्रयोग कर रहे हैं वो आपके वर्ड पैड में भी प्रयोग हो, लेकिन कुछ कुछ ऐसे आपका शॉर्टकट की होगा जो मैच करेगा, कॉपी पेस्ट कॉमन। पर यही देखिए, अगर हम एमएस वर्ड के सॉफ्टवेयर पे आते हैं, आप यहाँ पे देखिए कंट्रोल एम दबाएंगे तो मार्जिन हमारा इंक्रीज होता है, हो रहा है, और कंट्रोल क्यू करेंगे तो डिक्रीज हो जाएगा, कोई दिक्कत किसी को। पर यही शॉर्टकट की आपके वर्ड पैड में काम नहीं करता है, क्योंकि दोनों में अंतर है, एमएस वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है और जबकि वर्ड पैड एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, वर्ड पैड एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। अब चलिए सबसे पहले अगर हम वर्ड पैड में यहाँ पे देखें, तो मैंने अभी आपको केवल इंडेंट के बारे में बताया, अगर आपसे ये पूछा जाए कि टोटल पैराग्राफों की कितनी संख्या, तो क्या जवाब देंगे, कै गो पैराग्राफ लिखा हुआ,
पांच लिखा हुआ है ना, लेकिन पांचों पे अगर आपको नंबर देना हो तो देखिए यहाँ पे नंबर देने के लिए एक ऑप्शन आपका मिलता है, स्टार्ट ए लिस्ट इसका नाम है, स्टार्ट ए लिस्ट। अब यहाँ पे जब क्लिक करेंगे आप तो सारे पे पैराग्राफों पे आप नंबरिंग कर सकते हैं। देखिए ये नंबरिंग आप कर सकते हैं, प्रत्येक पैराग्राफ पे नंबर दे सकते हैं, कोई दिक्कत किसी को? तो इसको बोला जाता है स्टार्ट ए लिस्ट, यानी कि पैराग्राफ को काउंट करने का काम करता है। कितना पैराग्राफ आपने टाइप किया है अगर आपको ये काउंट करना हो तो आपको स्टार्ट ए लिस्ट का प्रयोग करना होता है। तो जैसे कि पैराग्राफों की हम संख्या ज्यादा मात्रा में ले लेते हैं, देखिए देखिए कहे को पैराग्राफ 825, 825 और 26 इसके बाद लिखा जाएगा 824 पैराग्राफ, वो भी कैसे मैंने टाइप किया, कॉपी और पेस्ट के माध्यम से। अब बताइए सबसे टॉप वाले पैराग्राफ पे जाना हो तो क्या बटन दबाएंगे, बोलिए। अभी तो सबसे लास्ट वाले पैराग्राफ पे है ना, सबसे टॉप वाले पे जाना हो तो कौन सा बटन दबाएंगे? नहीं पता है किसी को? कंट्रोल के साथ होम बटन, ये सब मैंने कीबोर्ड पढ़ा दिया और आज यही प्रॉब्लम हुआ है 9 बजे के बैच में। बस मैंने केवल शिफ्ट के बारे में पूछा है, पूरा क्लास खड़ी हो गई, पूरा क्लास खड़ा हो गया। शिफ्ट का कितना प्रयोग मैंने बताया था, कितना प्रयोग मैंने बताया था, थोड़ा पानी लेते आइए। शिफ्ट का क्या को प्रयोग मैंने बताया था, पहला प्रयोग क्या है? देखिए शिफ्ट का पहला प्रयोग सिंबल लिखने के लिए, शिफ्ट का दूसरा प्रयोग अगर यदि कैप्स लॉक ऑन है तो अगर आपको स्मॉल लेटर लिखना है तो शिफ्ट का इस्तेमाल करेंगे, यदि कैप्स लॉक ऑफ है अगर आपको कैपिटल लिखना है तो शिफ्ट का इस्तेमाल करेंगे। ये कम ये आपके शिफ्ट का दूसरा प्रयोग था। और तीसरा प्रयोग मैंने बताया था कि शिफ्ट के साथ माउस का लेफ्ट बटन दबा के, सॉरी शिफ्ट के साथ एरो की दबा करके आप डेटा को सिलेक्शन भी कर पाते हैं, और शिफ्ट के साथ F5 बटन दबा करके MS पावर पॉइंट में स्लाइड शो स्टार्ट किया जाता है, और शिफ्ट प्लस F3 बटन प्रेस करके MS वर्ड में केस चेंज किया जाता है। पांच को इसका प्रैक्टिकल है। तो यहाँ पे देखिए अगर आपको पेज के सबसे टॉप में जाना, आप ऐसे कहिए कि एक नंबर के पैराग्राफ पे आपको जाना है तो कंट्रोल के साथ होम बटन दबाना हो, क्या दबाएंगे? कंट्रोल प्लस होम बटन दबाएंगे, देखिए पेज के सबसे टॉप में लेके आएगा नंबर ऑफ पैराग्राफ 1। सबसे लास्ट वाले पे जाना हो तो कंट्रोल के साथ इंड बटन दबाएंगे, सबसे लास्ट वाले पे चला जाएगा। बस यही पेज अप और पेज डाउन आपका काम करेगा ना, नहीं बताया था मैंने? पेज अप और पेज डाउन कीबोर्ड में जो दिया हुआ, ठीक है पेज अप और पेज डाउन, पर यहाँ पे फाइंड ऑल ऑप्शन F5 से नहीं आएगा, केवल MS वर्ड में ही आएगा। तो अब देखिए मैंने आपको केवल बताया इसके बारे में, स्टार्ट ए लिस्ट के बारे में, इसका प्रयोग हम लोग करते हैं कहाँ, पैराग्राफ को नंबर देने के लिए। लेकिन ये जो नंबर आपका दिया गया है ये काउंटिंग नंबर आपका दिख रहा है, अगर आपको रोमन नंबर में अगर आपको देना हो तो जैसे कि अधिकतर लोगों को रोमन नंबर नहीं पता होता है, ठीक है ना, तो जैसे कि रोमन नंबर में अगर आपको पैराग्राफ को देना हो तो सबसे पहले पूरे डेटा को कंट्रोल ए से सिलेक्शन करिए, सिलेक्शन करने के बाद आप स्टार्ट ए लिस्ट पे आइए और यहाँ पे आप रोमन नंबर भी दे सकते हैं। देखिए रोमन नंबर में कुछ ऐसे आपको दिखाता है, ठीक है ना, ये रोमन नंबर में आपको दिखाएगा। देखिए अभी आपको समझना होगा कि रोमन नंबर में कौन सा कैसे क्या कोड होता है, ये सब आपको समझना होगा, 1 का सिंबल क्या होता है, 2 का सिंबल क्या होता है, 3 का सिंबल, ये सब दिया हुआ है, इसको रोमन नंबर बोला जाता है। और कभी कभी आपने देखा होगा कि पैराग्राफ के स्टार्टिंग में अल्फाबेटिकल भी लिखा गया होता है, ए वाला पैराग्राफ, बी वाला पैराग्राफ, सी वाला पैराग्राफ, डी वाला पैराग्राफ, ऐसे सबको कंट्रोल ए से सिलेक्शन करिए और यहाँ पे रोमन नंबर को हटा करके यहाँ पे अल्फाबेटिकल भी आप अप्लाई करा सकते हैं, कुछ ऐसे इंटरफेस में दिखाई, समझ में आ रहा है? अब चलिए जैसे कि जो पैराग्राफ मैंने लिखा हुआ है अगर इसकी लाइनों के बीच की स्पेस को अगर हमको घटाना हो बढ़ाना हो तो यहाँ पे लाइन स्पेसिंग का भी एक ऑप्शन आपका दे रखा है, देखिए आप अपने अकॉर्डिंग इसकी स्पेस को घटा सकते हैं और बढ़ा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे अभी बाय डिफॉल्ट यहाँ पे जो आपको दिखा रहा है ये 1.15 आपका दिखा रहा है, अगर आप यहाँ पे 2 लेते हैं तो देखिए स्पेस घटेगा, घटेगा कि बढ़ेगा, बढ़ जाएगा, देखिए
अब बीच में कितना डिस्टेंस बना लिए, ये लाइनों के बीच की स्पेस हम घटा सकते हैं और बढ़ा सकते हैं, वो भी किसके माध्यम से, तो लाइन स्पेसिंग के माध्यम से। बस आपको पूरे डेटा को सिलेक्शन करना है और लाइन स्पेसिंग वाले ऑप्शन पे चले जाना है, और यहां से आकर के 1.0 सबसे कम हो जाएगा स्पेस, और वही 1.5 करेंगे तो और भी स्पेस बढ़ जाएगा। देखिए मतलब आप अपने हिसाब से जितना भी स्पेस आपको घटाना हो और बढ़ाना हो तो आप घटा बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत किसी को? अब चलिए अगला जो पॉइंट आपका दिया है, ये आपका पैराग्राफ। तो पैराग्राफ में दो ऑप्शन दिया है, जैसे कि एक साथ आपको दो परिवर्तन करना हो पेज पे, एक आपकी पेज के इंटेंट को भी चेंज करना हो और प्लस पेज की अलाइनमेंट को भी आपको चेंज करना है, और इसके साथ साथ लाइन स्पेसिंग भी अगर आपको चेंज करना हो, तो टोटल इसमें तीन ऑप्शन आपका दिया हुआ है। किसमें, किसमें? पैराग्राफ वाले ऑप्शन पे। देखिए सबसे पहले तो हम जो है अलाइनमेंट के बारे में समझ लेते हैं। मैंने आपको शॉर्टकट की पढ़ाते समय अलाइनमेंट के बारे में बताया था, टोटल चार प्रकार के अलाइनमेंट पाए जाते हैं। किसमें? या तो एमएस वर्ड में या तो वर्ड पैड में। चार प्रकार का अलाइनमेंट कौन कौन सा होता है? एक आपका होता है लेफ्ट अलाइनमेंट, जिसकी शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस एल होता है, और एक आपका होता है सेंटर अलाइनमेंट, जिसकी शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस ई होता है, और एक आपका होता है राइट अलाइनमेंट, जिसकी शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस आर होता है, और एक आपका अलाइनमेंट होता है जस्टिफाई, जिसकी शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस जे। ये चार प्रकार के अलाइनमेंट पाए जाते हैं। लेकिन आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि अभी जो पैराग्राफ आपका दिख रहा है किस अलाइनमेंट में दिख रहा है, तो क्या जवाब देंगे? बोलिए, ये सब मैंने पढ़ाया, क्या होगा बताइए? लेफ्ट अलाइनमेंट हो, क्या होगा? क्यों? क्यों? क्योंकि लेफ्ट का पूरा हिस्सा इक्वल है लेकिन राइट वाला इक्वल नहीं है। अब वही अगर हम राइट में लेके जाना चाहते हैं, तो चलिए सबसे पहले तो हम यहाँ से इसकी स्पेस को कम कर लेते हैं, और यहाँ से हम इसको लाइनिंग को, नंबरों को भी हटा देते हैं यहाँ से, जो काउंटिंग मैंने किया था। अब देखिएगा यहाँ पे कंट्रोल के साथ अगर हम आर बटन दबाएंगे तो क्या लेफ्ट वाला इक्वल होगा? बोलिए, बस कंट्रोल प्लस आर। अब देखिए राइट वाला पूरा हिस्सा बराबर हो गया लेकिन लेफ्ट वाला बराबर नहीं। ये मुख्यतः चार प्रकार के अलाइनमेंट होते हैं, लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाइड। बस अब यहाँ पे जैसे कि हम यहाँ पूरे पैराग्राफ को हटा देते हैं, बस मात्र पांच पैराग्राफ यहाँ पे पेस्ट करते हैं समझने के लिए। अभी किस अलाइनमेंट में दिखा रहा है? लेफ्ट में दिखा रहा है। आप एक चीज समझिएगा, आप वर्ड पैड के पेज पे या एमएस वर्ड के पेज पे अगर कोई सा भी पैराग्राफ अगर आप टाइप करते हैं, तो बाय डिफॉल्ट आपका लेफ्ट अलाइनमेंट में ही आता है, क्योंकि लेफ्ट की पूरी लाइनिंग बराबर होती है किसकी अपेक्षा? राइट की अपेक्षा। अब चलिए जैसे कि पूरा डेटा को मैंने सिलेक्शन किया और यहाँ से नंबर वाला ऑप्शन यहाँ से हम हटा देते हैं। अब देखिए अगर कंट्रोल के साथ ई बटन दबाएंगे तो सेंटर में हो जाएगा, लेकिन बराबर कोई दिख रहा है? तो तो ये अभी सेंटर में हो गया, जिसकी शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस ई होता है, और वही कंट्रोल प्लस आर बटन दबाएंगे तो राइट में सब हो गया लेकिन लेफ्ट वाला बराबर कुछ नहीं है, और वही जस्टिफाई का प्रयोग अगर आपको करना हो तो जस्टिफाई का शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस जे। अब देखिए जस्टिफाई का प्रयोग करने के लिए आप क्या करिएगा कि सबसे पहले यहाँ पे जो स्पेस आपका दिया है ना बीच बीच में, देखिए जस्टिफाई वाला ऑप्शन का प्रयोग करने के लिए सबसे पहले क्या करिएगा, इसकी बीच की स्पेस को आप यहां से हटा दीजिए, और ये स्पेस को खत्म करने के लिए क्या दबाएंगे? बोलिए। चलिए कीबोर्ड में बैक स्पेस का क्या प्रयोग होता है? देखिए बस यहां पे बैक स्पेस बटन दबाएंगे, कीबोर्ड में बैक स्पेस का प्रयोग कर्सर से लेफ्ट साइड के अक्षरों को डिलीट करने के लिए किया जाता है। समझ में आ रहा है ना? जहां पर कर्सर रहेगा उसके लेफ्ट साइड में जितने भी अक्षर मिलेंगे उन सबको डिलीट करने का काम बैक स्पेस करता है। यहां से स्पेस को यहां से हटाना पड़ेगा, जब भी आपको स्पेस को हटाना हो तो कर्सर को हम यहीं पे लेके आते हैं, और दो अंतर मैंने आपको बताया था कर्सर और पॉइंटर में क्या अंतर होता है, बोलिए।
बताया था कि नहीं बताया था, किसको कर्सर बोला जाएगा, किसको पॉइंटर बोला जाएगा, किसको? तो देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या है, अगर इसकी स्पेस को आपको खत्म करना है तो सबसे पहले यहीं पे आपको कर्सर लेके आना है, और एक बार बैक स्पेस दबाएंगे तो ये लाइन यहाँ से खत्म हो जाएगा देखिए। और अब बैक स्पेस दबाएंगे तो क्या होगा, जहां पे कर्सर होगा उसके लेफ्ट साइड से अक्षरों को डिलीट करता चला जाएगा। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि बैक स्पेस का क्या प्रयोग होता है, तो आप ये जरूर बताइएगा कि बैक स्पेस का प्रयोग जहां पे कर्सर होता है उसके लेफ्ट साइड के जितने भी अक्षर होते हैं उन सबको डिलीट करने का काम बैक स्पेस करता है। बाएं से लिखे हुए टेक्स्ट को डिलीट करने के लिए बैक स्पेस की का प्रयोग किया जाता है, और ब्राउजर में बैक जाने के लिए किसका प्रयोग, बैक स्पेस का प्रयोग किया जाता है। तो बस आप यहाँ पे कर्सर ला के रखिए और यहाँ से आप बैक स्पेस दबा दीजिए। अब तो बीच में कोई स्पेस दे रहा है, तो किस अलाइनमेंट में डेटा दिख रहा है, बोलिए किस अलाइनमेंट में आपका डेटा दिख रहा है? हाँ, अरे लेफ्ट में दिख रहा है। जस्टिफाई का मतलब ये होता है कि पूरा आपका इक्वल होगा, ना कहीं कम और ना कहीं ज्यादा, बस आपको कंट्रोल इसे सबको सिलेक्शन करना है। ये जस्टिफाई का ही प्रयोग करने के लिए मैंने स्पेस हटाया। अरे इसमें स्पेस है क्या, अभी थोड़ा सा रुक जाइए। अब कंट्रोल इसे सबको सिलेक्शन करिएगा, और यहीं पे कंट्रोल के साथ आपको जे बटन दबाना है। अब जस्टिफाई में हो गए, आप खुद देखिए। बस अब चूंकि नीचे कुछ लाइन नहीं है तो इसलिए इस डिस्टेंस को कवर नहीं किया है, बाकी आपका टोटली डेटा आपका हो गया किसमें, जस्टिफाई। ये जस्टिफाई का रूल होता है, पर जस्टिफाई कब काम करेगा उसके लिए बीच से आपको स्पेस को हटाना पड़ेगा। तो अब ये मैटर आपको जस्टिफाई में दिख रहा है, अगर आपको लेफ्ट में करना हो तो फिर कंट्रोल के साथ यल बटन दबाइएगा, हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हम चलते हैं पैराग्राफ वाले ऑप्शन पे। देखिए वो सारा ऑप्शन दिया है जो मैंने अभी आपको बताया। अब जैसे 1.15 लिखा हुआ है ना, ये क्या है 1.15, लाइन स्पेसिंग है। अब हमको 1.15 से हटा करके 1 रखना है, तो सिंपल सी बात है, इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे तो ये सारा ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पे 1.00 ले लीजिए, इससे स्पेस घटेगा कि बढ़ेगा, बोलिए घटेगा। और इसके बाद से यहाँ पे दिया हुआ है अलाइनमेंट, तो अलाइनमेंट यहाँ पे लेफ्ट दिया हुआ है। अब अलाइनमेंट को लेफ्ट वाला हटा करके और यहाँ पे हम ले लेते हैं सेंटर, दो परिवर्तन मैंने किया है ना। अब ओके करेंगे तो ऐसे ही आपको देखने को मिल जाए, समझ में आया? एक बार और समझिए, बस आपको पैराग्राफ वाले ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पे आपको लेना है 1.00 नहीं लेना है, यहाँ पे 2.00 लेना है, और सेंटर को हटा के यहाँ पे हम ले लेंगे लेफ्ट। आप ओके करिए, आप देखिए इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो ये आपके पैराग्राफ ऑप्शन का प्रयोग होता है, किसी को कोई दिक्कत? आप चलिए, अब इसके बाद से जो अगला पॉइंट आपका दिया है ये है आपका पिक्चर, तो पिक्चर का क्या प्रयोग होगा, पिक्चर इंसर्ट कराने के लिए इसका प्रयोग हम करते हैं। जैसे जैसे कि मान के चलिए यहाँ पे हमको कोई पिक्चर इंसर्ट कराना, जो मैंने स्पेस दिया है इसी के बीच में हमको कोई पिक्चर भी इंसर्ट कराना, तो सबसे पहले आप चले जाइएगा पिक्चर वाले ऑप्शन पे और यहाँ पे आ जाइएगा पिक्चर पे क्लिक करिएगा, ये अपनी कंप्यूटर में लेके जाएगा, और यहाँ से आप अपनी कंप्यूटर में कोई सा भी फिगर जो पहले से आपने डाउनलोड करके रखा है आप इसको यहाँ से, मतलब यहाँ से ओपन कर सकते हैं। जैसे ये पिक्चर मैंने इंसर्ट करा दिया, ठीक है ना? आप देखिए अभी पिक्चर में दो ऑप्शन और दिया, क्या दिया, चेंज पिक्चर और रिसाइज पिक्चर। तो रिसाइज, रिसाइज का मतलब ये होता है कि इसको रिसाइज करके आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो जैसे कि ये अगर पिक्चर आपको बदलना है तो आप देखिए ये दोनों ऑप्शन तब तक हाईलाइट नहीं होगा जब तक कि आप इस फिगर पे क्लिक ना करें, क्योंकि जब फिगर पे सिलेक्शन करेंगे तभी ये दोनों ऑप्शन आपका हाईलाइटेड होगा। देखिए
अब इसमें पहला ऑप्शन क्या दिया है, चेंज पिक्चर। जैसे कि इस पिक्चर को अगर हमको बदलना हो तो बस यहाँ पे आपको चेंज पिक्चर पे क्लिक करना है। जैसे ही चेंज पिक्चर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से इस फिगर को आप हटा करके और दूसरा फिगर आप यहाँ पे इंसर्ट करा सकते हैं। कोई दिक्कत है किसी को? अब चलिए इसके बाद से जो अगला पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है ये है आपका रिसाइज पिक्चर। यहाँ पे रिसाइज पिक्चर दिया हुआ है, तो रिसाइज का मतलब ये होता है कि इसके साइज में अगर कोई चेंजेस करना हो तो इसके लिए आपको रिसाइज पिक्चर की रिक्वायरमेंट होती है। इस पे क्लिक करिए और यहाँ पे बाय डिफॉल्ट नंबर में क्या लिखा हुआ है, 100, यहाँ पे मैंने दे दिया 20। ओके करिए, देखिए कितना बड़ा हो गया। और एक और तरीका है, इस पॉइंट पे क्लिक करके और आप इसकी साइज को इंक्रीज कर सकते हैं। ये एरो टाइप का जब बनेगा तो ऐसे खींच सकते हैं, यहां से आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। पर अगर इससे हो जा रहा है तो हो जा रहा है, नहीं हो पा रहा है तो रिसाइज कर दीजिए, हो जाएगा। आप चलिए इसके बाद से आपका दिया है पेंट ड्राइंग। क्या दिया है? पेंट ड्राइंग। और जिसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+D। याद करिए मैंने Ctrl+D का प्रयोग शॉर्टकट की में क्या बताया था, बोलिए। ये भगवान कुछ भी याद नहीं। देखिए Ctrl+D का प्रयोग मैंने आपको बताया था कि फॉन्ट की डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए, किसमें, एमएस वर्ड में, और प्लस किसी सेप को डुप्लीकेट करने के लिए हम कंट्रोल के साथ डी बटन का प्रयोग करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे इसका क्या प्रयोग है, एमएस पेंट के लिए। अगर आपने एमएस पेंट में खूब बढ़िया बढ़िया ड्राइंग आपने बनाया है और आप चाहते हैं कि वर्डपैड पे चला है तो इसके लिए एमएस पेंट का आप हेल्प ले सकते हैं। बस यहाँ से कंट्रोल इन से एक नया पेज ले लेते हैं, बस देखिएगा। और कर्सर को थोड़ा सा नीचे लेके आते हैं, आप यहाँ पे आने के बाद कंट्रोल के साथ डी बटन दबाइए। देखिए पेंट का पेज ओपन हुआ है, आप यहाँ से आप कोई ड्राइंग बना लीजिए। बस ये हो गया ना, आप इसी को जैसे ही कैंसिल करेंगे तो ये वर्ड पैड के सॉफ्टवेयर पे आ जाएगा। बस यही इसका प्रयोग है, आप बढ़िया से बनाइएगा। हाँ बस देखिए मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पे सबसे पहले आपको आना है कंट्रोल के साथ डी बटन दबाना है, Ctrl+D। ये वर्ड पैड में एमएस पेंट को ओपन करने का शॉर्टकट की होता है। और यहाँ पे देखिए जो भी आप ड्राइंग यहाँ पे बनाना है आप इसको आप बना लीजिएगा, यहाँ से ड्राइंग आप बना लीजिएगा जो भी ड्राइंग आपको बनाना है। ठीक है ना, अब चलिए इसमें हम कलर नहीं फिलअप करते हैं, बस कैंसिल करिए, ये डायरेक्टली वर्ड के पेज पे आ जाएगा। देखिए अब ये पहले से बना हुआ था इसलिए थोड़ा सा ऐसे डिस्टर्ब हो रहा है। एक कंट्रोल यहां से एक नया पेज ले लेते हैं, इस पे बनाते हैं। देखिए एक नया पेज लेकर के बनाते हैं, पर ये ध्यान रहे कर्सर को थोड़ा सा नीचे लेके आइएगा, स्पेस नहीं बन पाएगा तो नहीं हो पाएगा। और फिर कंट्रोल के साथ डी बटन दबाइए, बस यहाँ पे आपको बनाना है। कुछ भी ऐसे बना लीजिएगा, समझने के लिए ऐसे देख सकते हैं, बस हो जाएगा। बस यही प्रयोग है इसका, बस और ज्यादा इसका कुछ है नहीं प्रिंट का। अब चलिए डेट एंड टाइम का शॉर्टकट की मैंने आपको नोट पैड के सॉफ्टवेयर में बताया था, क्या होता है? हाँ F5 होता है, F5। F5 के माध्यम से मैंने आपको बताया था कि नोट पैड की सॉफ्टवेयर में हम डेट एंड टाइम इंसर्ट करा पाते हैं, मैंने बताया था। और प्लस इसके साथ साथ मैंने विंडोज के भी बारे में बताया था, क्या होता है शॉर्टकट की, क्या होता है विंडो Ctrl+D से डेट एंड टाइम आपका इंसर्ट हो जाता है, किससे, टास्क बार से, यही मैंने बताया था ना। लेकिन अगर हम वर्ड पैड के सॉफ्टवेयर पे हैं तो यहाँ पे इसका कोई शॉर्टकट की नहीं होता,
यहाँ पे कोई शॉर्टकट की नहीं होता है। बस आप चले जाइएगा यहाँ पे डेट एंड टाइम वाले ऑप्शन पे, और यहाँ से कोई सा भी डेट एंड टाइम आप ले सकते हैं। देखिए 11:45:28 हो रहा है, ठीक है। अगर आपको डेट इंसर्ट कराना है तो फिर आप चले जाइएगा डेट एंड टाइम वाले ऑप्शन पे, यहाँ से आप केवल डेट ले सकते हैं। देखिए क्या बता रहा है ये, 5 मई 2024। अरे ये डेट का फॉर्मेट अलग अलग दिया है ना, इसमें सब फॉर्मेट अलग अलग दिया हुआ है। ये देखिए कुछ डिफरेंट आपको दिखा रहा है, हो जाएगा। अब चलिए इसके बाद से अगला ऑप्शन आपका लिखा हुआ है इंसर्ट ऑब्जेक्ट। अब इसका क्या प्रयोग है, तो जैसे कि आप वर्ड पैड के सॉफ्टवेयर पे हैं, फिर ऐसी रिक्वायरमेंट आ गई कि हमको किसी और सॉफ्टवेयर पे तत्काल पे जाना है, तो आप एक सिंबल है कि विंडो प्लस आर दबाते हैं तो रन कमांड ओपन होता है, लेकिन आप ये चाहते हैं कि डायरेक्टली यहाँ से ओपन कर लें, तो इसके लिए आपको इंसर्ट ऑब्जेक्ट का हेल्प लेना होता है। बस कैसे होगा देखिए मैं बता रहा हूँ, बस आप इंसर्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करिए, यहाँ पे सॉफ्टवेयर का नाम आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ पे हम आना चाहते हैं एक्सेल चार्ट, एक्सेल चार्ट लिखा हुआ है ना, बस ओके करिए, बस आ गया एक्सेल का चार्ट, इसको कैंसिल करेंगे एक्सेल का चार्ट वर्ड पे आ जाएगा, देखिए हो जाएगा। तो ये आपका इंसर्ट ऑब्जेक्ट होता है। और भी इसमें ऑप्शन दिया है, देखिए अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो और भी इसमें क्या ऑप्शन दिया है, अगर आप चाहेंगे तो वर्ड पैड के मतलब यहाँ पे अगर आप चाहेंगे तो एक्सेल की सॉफ्टवेयर पे जा सकते हैं। देखिए लिखा भी है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट, ओके करेंगे तो एक्सेल की सॉफ्टवेयर पे आ जाएंगे। कौन सा सॉफ्टवेयर ओपन है, एक्सेल हो जाएगा। चलिए अगला क्या पॉइंट दिया है, फाइंड रिप्लेस और सेलेक्ट ऑल, इसको तो मैंने पढ़ाया है, बोलिए। फाइंड का प्रयोग किसी वर्ड को ढूंढने के लिए, रिप्लेस का प्रयोग उस वर्ड को हटा के दूसरा वर्ड लिखने के लिए, और सेलेक्ट का प्रयोग पूरे डेटा को सिलेक्शन करने के लिए। कंट्रोल प्लस सी एफ, कोई ऐसा वर्ड है जिसको आप खोजना चाहते हैं, वाई ओ यू, बस फाइंड करिए, फाइंड कर रहा है, तो ये आपका फाइंड का प्रयोग होता है। और रिप्लेस का मतलब अब जहां जहां यू लिखा हुआ है वहां वहां पटरुना लिखना चाहते हैं, तो कंट्रोल प्लस सी एच इसकी शॉर्टकट की होती है। अब यू के स्थान पे मैंने टाइप कर दिया पटरुना, बस यहाँ पे रिप्लेस ऑल पे क्लिक करिए, ओके करिए, अब जहां जहां यू लिखा होगा वहां वहां केवल पटरुना लिखा हुआ जाएगा। कोई दिक्कत किसी को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए व्यू टैब में हम चलते हैं, लास्ट ऑप्शन बचा हुआ, और मैंने फंड इसमें बताया भी था शॉर्टकट की में, वर्ड पैड की पेज की साइज को मैक्सिमम कहाँ तक बढ़ाया जा सकता है, 1638 तक। वर्ड पैड में पेज की साइज को मैक्सिमम कहाँ तक, और मैं ये चीज बार बार आपसे बोल रहा हूँ कि जब पेज की साइज बोला जा रहा है तो वर्ड की साइज टेक्स्ट की साइज बता रहे हैं, और जब टेक्स्ट की साइज पूछा जा रहा है तो पेज की साइज बता रहे हैं। आप देखिए दोनों में कंफ्यूजन दूर करने का सबसे अच्छा ऑप्शन हम बता रहे हैं, जब पेज की साइज की बात हो तो परसेंटेज में आता है, और टेक्स्ट की साइज परसेंटेज में नहीं आता। मैंने लिखवाया भी होगा लेकिन क्यों पढ़ेंगे उसको आप लोग। तो देखिए इसमें सबसे पहले जो ऑप्शन आपका दिया है, ये सबसे पहला ऑप्शन आपका लिखा हुआ है जूम इन, अगर पेज की साइज को इंक्रीज करना हो तो बस आपको जूम इन ऑप्शन पे क्लिक करना है। देखिए ये पेज की साइज इंक्रीज होगा, इंक्रीज हो रहा है, याद करिए मैंने आपको बताया था नोट पैड की सॉफ्टवेयर में जब पेज की साइज इंक्रीज करते हैं तो टेक्स्ट की साइज भी इंक्रीज होता है, मैंने बताया था, पर इसमें इसमें नहीं इंक्रीज होता, ठीक है ना। यहां से आप व्यू टैब पे आइए, यहां से आप बढ़ा सकते हैं, देखिए देखिए 500 लास्ट आया है। आप सोचिए 500 से 500 पे हैं आप, और 100 पे आना हो तो टाइम लगेगा ना, बस इसमें आपको जूम आउट करेंगे तब तो 100 पे लेके जाएगा, यहीं पे डायरेक्टली 100 पे आप लेके आ सकते हो। अब इससे भी कम करना है तो जूम आउट पे क्लिक करते जाइए, इससे भी कम हो जाएगा। देखिए आप पढ़िए क्या लिखा हुआ है,
अब चलिए अगला ऑप्शन जो दिया हुआ है आपका रूलर, इसके बाद से आपका दिया स्टेटस बार, अगर आप इस पे अनट्रिक कर देंगे तो ये रूलर यहाँ से गायब हो जाएगा। मैंने इसकी इंट्रोडक्शन पढ़ाते समय रूलर के बारे में बताया था ना, और ये ट्रिक करेंगे तभी आपको रूलर दिखाई देगा, अगर यहाँ से हटा देंगे तो रूलर गायब। और वैसे ही स्टेटस बार, ये स्टेटस बार आपको दिखा रहा है पेज की साइज कितना है, 100 दिखा रहा है, बस यही रूलर बार मतलब यही स्टेटस बार होता है। यहाँ से अगर आप इसको डिसेबल करेंगे तो स्टेटस बार गायब, ठीक है, इनेबल करेंगे तो आ जाएगा। देखिए इसके बाद से वर्ड रैप दिया हुआ है, इस लिखे हुए टेक्स्ट की डायरेक्शन को आप चेंज कर सकते हैं। अभी तो ये तो वर्टिकल आपको दिख रहा है ना, लेकिन आप इसको हॉरिजेंटल करना चाहते हैं तो इसके लिए आप आ जाइएगा वर्ड रैप वाले ऑप्शन पे, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप इसको नो रैपिंग में करेंगे तो कुछ ऐसे दिखाएंगे। ये शायद मैंने आपको नोटपैड पे पढ़ाया था, नहीं पढ़ाया है इसीलिए तो मैंने शायद बोला, मैंने पढ़ाया। आप यहां से देखिए इसको पढ़ने के लिए आपको नीचे से स्क्रॉलिंग करना होगा, देखिए यहां से स्क्रॉलिंग करना होगा, ये हॉरिजॉन्टल मोड में हो गया, और पुनः यहां से क्लिक करेंगे तो आप यहां से रैप टू रूलर, रूलर के अंतर्गत आप लेके आ सकते हैं। वही यहां पे दिया रैप टू विंडो, विंडो के हिसाब से कर सकते हैं आप। चलिए अब इसके बाद से जो ऑप्शन आपका दिया है, ये है आपका मेजरमेंट यूनिट, मतलब कि जो आपने रूलर इंसर्ट कराया है इसको आप लेना चाहते हैं किसमें, सेंटीमीटर में, इंचेज में, पिकास में, तो इसका अलग अलग मात्रक यहाँ पे दिया हुआ है, तो बाय डिफॉल्ट किसमें दिखा रहा है, इंचेज में। आप इसमें सेंटीमीटर में ले सकते हैं, आप इसमें चाहेंगे तो पॉइंट्स में भी ले सकते हैं और चाहेंगे तो पिकास में भी ले सकते हैं। यही है आपका वर्ड पैड, कोई दिक्कत किसी को, इतना प्रैक्टिकल आप लोग लैब में कर लीजिए, हो जाएगा।